श्री किरेन रिजू जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, बिफोर द बिजनेस कुड बिगिन आई वुड लाइक टू थैंक श्री भर्तृहरि मेहताब हु हैज डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज स्पीकर प्रो टेम। ही हैज कंप्लीटेड एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ ओथ एंड इंफॉर्मेशन वेरी स्मूथली within 2 days and till the election of the Honorable Speaker this morning. I profusely thank him on behalf of the government and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of chairpersons for their valuable contribution. I also thank the Secretary General of Lok Sabha and staff of Lok Sabha Secretariat who have completed the work within the time frame under the guidance of the Speaker pro tem and the panel of chairpersons. On behalf of the entire house, I thank all of them. Once again, I thank all the honorable members for your cooperation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपके इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है
कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं, और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी, और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज अ सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है, और सुपोषित मां इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज कर के पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, ये आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 17वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा, तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 17वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति मंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं, और देश के लिए
एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता में। नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अध्यक्षता में हुआ और आपने संसदीय कार्यप्रणाली को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसलिए लोकतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है। लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं। पहली बार आपने सभी माननीय सांसदों को ब्रीफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की। इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक रेफरेंस मटेरियल मिला, उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया। हाँ, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूँ, तो एक आपने अच्छी व्यवस्था को विकसित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है वो है P20 और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए हैं उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारा भवन ये सिर्फ चार दीवारें नहीं है, हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने
हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की, और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया, सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पर चढ़ाया। किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहाँ जाके बैठा, किसी को दूसरे जगह भी जाके बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए। और ये खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें, और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में ये 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री राहुल गांधी।